आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेंस के बारे में जो मिड रेंज कैटेगरी में एक सॉलिड ऑप्शन बनकर आया है इंट्रोड्यूसिंग द कैन आर एफ ट्वेंटी एट टू सेवेंटी मिलीमीटर एफ टू पॉइंट एट आई एस एस टी एम जो एक मिड रेंज जूम लेंस है और कैनन के फुल फ्रेम फ्रेमसर मिरलिस कैमराज के लिए डिजाइंड है इस लेंस को सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में लॉन्च किया गया था और ये फुल फ्रेम शूटर्स के लिए एक अफोर्डेबल या पावरफुल चॉइस बन सकता है तो चलिए देखते हैं इस लेंस में क्या खास बात है और क्या यह आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन सबसे पहले बात करते हैं इस लेंस की बिल्ड क्वालिटी की कैनन आर एफ ट्वेंटी एट टू एक स्टेप अप है उन बेसिक ज़ूम से जो आपको एंट्री लेवल कैन सीरीज के साथ मिलते हैं यह लेंस प्रीमियम क्वालिटी में आता है लेकिन हायर एंडल लेंसेज जैसे नहीं ये काफी लाइटवेट और कॉम्पैक्ट है जो इसे कैनन कैन यूएसआरए जैसे स्मॉलर बॉडीज के साथ परफेक्ट मैच बनाता है मगर एक बात याद रखनी है ये लेंस नॉन एल आर एफ सीरीज में से एक सबसे महंगा लेंस है जो थोड़ा प्राइस रेंज में हाई फील होता है अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा बजट कर सको तो आपको कैन आर एफ ट्वेंटी फोर टू वन हंड्रेड फाइव मिलीमीटर्स एफ फोर एल जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं जो वाइडर जूम रेंज एल सीरीज बिल्ड क्वालिटी और लेंस हुड ऑफर करता है परफॉर्मेंस एन एपचर इस लेंस की सबसे बड़ी सेलिंग पॉइंट है इसका एफ टू पॉइंट एट एपचक जो आपको एंट्री लेवल जूम लेंसेज से बेटर बोके और लो लाइट परफॉर्मेंस देता है इसके सेवेंटी मिलीमीटर mm टेलीफोटो एंड पर आपको डिसेंट बैकग्राउंड ब्लर मिलता है जो क्लोज और पॉर्ट्रेट शॉर्ट्स के लिए आइडियल है अगर आप थोड़ा ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहते हैं तो ब्राइटर प्राइम लेंसेज या 28 एट टू सेवेंटी मिलीमीटर्स एफ टू को कंसिडर कर सकते हो लेकिन 28 एट टू सेवेंटी एफ दो दशमलव आठ भी काफी इम्प्रेसिव रिजल्ट देता है प्राइस अब बात करते हैं प्राइस की कैन आर एफ ट्वेंटी एट टू सेवेंटी कंपैरिजन में मगर अगर आपको एक कॉम्पैक्ट लाइटवेट और ब्राइट एपचर वाला जूम लेंस चाहिए तो ये एक सॉलिड ऑप्शन है इसका प्राइस सिग्मा के सिमिलर लेंस जो अनफॉर्चुनेटली कैन आर एफ माउंट के लिए नहीं आता से ज्यादा है लेकिन अगर आप एक ऑलराउंडर लेंस ढूंढ रहे हैं जो आपके कैन एन आर एफ बॉडी के साथ वेल well सूटेड हो तो ये वर्थ कंसिडरिंग है फोकस परफॉर्मेंस एंड डिजिटल कॉम्पेंसेशन इस लेंस की फोकसिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है ऑटो फोकस काफी फास्ट और एक्यूरेट है और कैन आर एफ बॉडीज के साथ फोकस ब्रीदिंग को भी रिड्यूस किया जा सकता है F2. इस लेंस में डिजिटल कॉम्पेंसेशन के थ्रू जियोमेट्रिक डिस्ट्रोशन को ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया जाता है स्पेशली जेपेक्स में लेकिन अगर आप रॉ शूट करते हो तो इन्श्योर करें कि आपका रॉ कन्वर्टर अपडेटेड हो शार्पनेस एंड तो इमेज क्वालिटी इमेज क्वालिटी की अगर बात करें तो आर एफ ट्वेंटी एट टू सेवेंटी एफ टू पॉइंट एट आपको वाइड ओपन एफ टू पॉइंट एट पर भी काफी शार्प रिजल्ट देता है ट्वेंटी एट मिलीमीटर्स फिफ्टी और सेवेंटी मिलीमीटर्स फोकल लेंथ्स पर शार्पनेस काफी इंप्रेसिव है चाहे एपचर वाइड ओपन हो या स्टॉप डाउन कॉर्नर्स में थोड़ा सॉफ्टनिंग होता है लेकिन ओवरऑल शार्पनेस अक्रॉस द फ्रेम अच्छी है इस लेंस से आपको कंसिस्टेंट इमेज क्वालिटी मिलेगी जो इसके प्राइस को जस्टिफाई करता है बोके क्वालिटी और अगर आपको बोके क्वालिटी पसंद है तो ये लेंस भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा एट सेवेंटी मिलीमीटर्स एफ टू पॉइंट एट आपको डिसेंट बैकग्राउंड ब्लू मिलता Indeed, है जो पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए परफेक्ट so, है वो के ब्लॉग मोस्टली सर्कुलर हैं और कोई ऑब्वियस आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलते जैसे पोर्ट्रेट लवर्स के लिए ये अच्छा ऑप्शन है साथ आपको पोर्ट्रेट्स के लिए काफी अच्छी सब्जेक्ट सेपरेशन मिलती है और डिटेल्स भी काफी शार्प हैं। अगर आपको ज्यादा इंटेंस ब्लर चाहिए तो आप कैन आर एफ पचासी मिली एफ को कंसिडर कर सकते हैं लेकिन इवेंट्स और कैजुअल पोर्ट्रेट्स के लिए लेंस परफेक्ट फिट है फाइनल येडअप तो क्या ये लेंस आपको लेना चाहिए अगर आपको एक वर्सेटाइल लाइट वेट और एफ दो दशमलव आठ वाला जूम लेंस चाहिए जो आपकी कैन आर एफ बॉडी के साथ सीमलेसली वर्क करे तो कैन आर एफ ट्वेंटी मिली मीटर आठ आई एस एस टी एम एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है हाँ ये थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन मिड रेंज लेंसेज में ये एक ऑप्शन है जो एंट्री लेवल से एक सॉलिड अपग्रेड है तो गाइज अगर आपको क्वालिटी और पॉजिबिलिटी का कॉम्बो चाहिए ये लेंस जरूर कंसिडर करें तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है क्या आप इस लेंस को अपने गेयर लिस्ट में ऐड करेंगे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा